हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये एसएसबी सीरीज़ की का नया पार्ट है जिसमें मैं डिस्कस करूँगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स को, कि हाँ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स को आपको कैसे डील करना है। ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि कैसे मैंने जो यहाँ पर लिखने का मतलब है ना, टोटल आपके जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो होते हैं 10 होते हैं, लेकिन मैंने 10, अगर आप 3 मिनट के अंदर 10 कर पाते हो और आपके टाइम बचता है तो आप कुछ ऑब्स्टेकल रिपीट भी कर सकते हो, तो मैंने 3 ऑब्स्टेकल्स को और रिपीट किया था। सो हाई हाउ आई कंप्लीटेड ऑल 10+3 ऑब्स्टेकल्स इन 3 मिनट्स, इसके बारे में बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने पहले कौन कौन सा किया था, एंड गर्ल्स अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, बेटर बना सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों आखिर प्रॉब्लम आती है गर्ल्स को और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो एसएसबी के रिपीटर्स हैं, जो एफकैट के एसएसबी के लिए पहली बार जा रहे हैं, वो डिफरेंस देख लेंगे कि हाँ इसमें एसएसबी के इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल से क्या क्या डिफरेंट होता है और बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन हम। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ में अगर बात करूँ तो ये आपको जो स्क्रीन पे पहला ऑब्स्टेकल दिख रहा है, जो सबसे सिंपल ऑब्स्टेकल होता है, ये आपका होता है एक नंबर का, कितने मार्क्स का होता है, एक मार्क्स का। इसका नाम है स्लाइडिंग जंप। इसका क्या नाम है फ्रेंड, स्लाइडिंग जंप। ये आपको नंबर जब आपको GTO साहब बताएंगे, जो GTO टास्क में बताएंगे, आपको बताएंगे इसका नाम, ये है स्लाइडिंग जंप। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे आना होता है, इस पे चढ़ के जाना होता है, फिर यहाँ से जंप मार के नीचे आ जाना होता है। तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, मैक्सिमम हाइट इसकी 4 से 5 फीट की होती है। तो ये बहुत ही सिंपल वाला है और इसको ऑलमोस्ट सबके सब सारे बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर का है। अब आते हैं दूसरे पे, ये देखिए, और ये आपका आएगा हाई जंप। सो फ्रेंड्स, हाई जंप में इसकी जो हाइट होती है ये बॉयज़ के लिए 4 फीट होती है और गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कम होती है। तो आपको क्या करना है, उधर से मतलब कि ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है, रेत का है, ये सारा पार्ट रेत का है। आप यहाँ से दौड़ते हुए आते हो, ये एक स्टिक रखा हुआ होता है, आप इसके ऊपर से कूद के सीधा इस पर चले आते हो तो आपको आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ये आपके हो गए आपके 2 पॉइंट्स, मतलब कि आपका जो हाई जंप हो गया वो हो गया आपका 2 नंबर का। तो पहला हमने क्या किया, पहला हमने किया 1 नंबर का और ये इसका नाम था स्लाइडिंग जंप। उसके बाद किया हमने हाई जंप। एसएसबी में ये हाई जंप नहीं होता है, ध्यान देना, एसएसबी में नहीं होता है, लेकिन आपके एफकैट के एसएसबी में ये जरूर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि मतलब मार्क्स का है, मैंने बहुत रिमेम्बर करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी पार्ट के मार्क्स जो है वो गलत अगर हो जाएंगे तो उसके लिए मतलब आप कंफर्म कर सकते हो गूगल से कि हाँ किसके मार्क्स कौन से है। और ये मैटर भी नहीं करता, एटलीस्ट मतलब अगर आपको सारे ऑब्स्टेकल करने ही करने हैं 10 के 10, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स जो छोटी हाइट की होती हैं, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम अलाहाबाद आरटी, उनका ये टिप था कि गर्ल्स को जब भी बताना हो तो ये बताना कि जिनकी हाइट कम हो, लाइक जो अप्रॉक्स 5 फीट 154 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर के आसपास हो, उनके लिए 4 फीट कूदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना फिजिकल थोड़ा स्ट्रांग रखना ताकि आप 4 फीट के जंप को ईजिली कर सको। बॉयज़ जो लंबे, लाइक मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं बहुत ईजिली जंप करता, मुझे कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता, लेकिन जिसकी हाइट कम है उसे दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस करना, वरना बार बार आप एक ही ऑब्स्टेकल में फंसे रहोगे, ठीक है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप एक टास्क आपका एसएसबी का मतलब परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं कर सकता। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एफकैट क्वालिफाई हो रहा है तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस में लग सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ये इसका नाम होता है फ्रेंड्स, इसका नाम है बैलेंसिंग बीम्स। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग बीम्स। तो ये कुछ नहीं होता है, ये टिल्ट करके बीम्स रखी हुई होती हैं ऐसे लेफ्ट राइट करके। तो आपको एक बीम से चढ़ के आना होता है, ऐसे इस पे चल के जाना होता है, फिर यहाँ से जंप करके इस पे चल के जाना होता है, फिर यहाँ से जंप करके इस पे चल के जाना होता है। ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे होता है एफएसबी में, और ये जो ये लकड़ी के होते हैं ये कहीं ना कहीं टिल्ट होते हैं, मतलब कि थोड़े से झुके हुए होते हैं और अब बहुत हिल रहे होते हैं, तो इस पे चलना मुश्किल हो जाता है। अपनी फर्स्ट एफएसबी में मैंने सब कंप्लीट करके बैलेंसिंग वॉक से मैं 2 बार गिरा था। तो जिनको हाइट से थोड़ा डर लगता है या फिर हाइट से फोबिया होगा, उनको थोड़ा बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली आप किसी पार्क वार्क में जाते हो तो जो बेंचेस वगैरह के एजेस होते हैं उन पे चल के आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें हाथ पैर मत तोड़ लेना अपना एसएसबी से पहले, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं स्क्रीन जंप। ये आपके एफएसबी में मिलता है, इसको बोलते हैं आपका स्क्रीन जंप। स्क्रीन जंप में क्या होता है फ्रेंड्स कि स्क्रीन जंप में आपको सिंपल एक इसी स्लाइड पे चढ़ के आना होता है
और यहाँ से चढ़ के आपको सीधा जंप मार के अपने हाथों के आर्म सपोर्ट से इस स्क्रीन को पकड़ना होता है, फिर अपने आप को ऊपर मूव करना होता है, फिर यहाँ से आपको ऐसे जंप कर जाना होता है। तो AFSB में ये स्क्रीन काफ़ी ऊँची होती है, बॉयज़ के लिए एक आर्म स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत है और स्ट्रेटजी के साथ आप अगर करोगे तो हो जाएगा। गर्ल्स के लिए यही स्क्रीन थोड़ी सी नीचे होती है, नॉट ए बिग डील, और ये कम मार्क्स का होता भी है। इसके लिए केवल आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? केवल 4 मार्क्स। लाइक ये थर्ड नंबर पे था ना, तो ये बैलेंसिंग वीक के आपको कितने नंबर मिलते हैं? 3 मार्क्स। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप मार्क्स को नोट करते जाना। और स्क्रीन जंप के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। क्या करना होता है यहाँ पे, आपको बस इस पे चढ़ के आगे बढ़ना होता है, फिर यहाँ से जंप मार के इसको शोल्डर से अपने पकड़ना होता है, उसके बाद आपको यहाँ से सीधा कूद जाना होता है। तो ये आपको AFSB मिलेगा, SSB में ये जो ऑब्स्टिकल है वो नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मंकी क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? मंकी क्रॉलिंग। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मंकी क्रॉलिंग जो आपका होता है वो बेसिकली होता है आपका, मंकी क्रॉलिंग जो होता है वो आपका 9 मार्क्स का होता है, हाईएस्ट मार्क्स का, मतलब कि 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट है। कितना हुआ? 9 मार्क्स का। इसमें करना क्या है, आप अपना सर इधर करते हो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपना सर आप जो है इधर करते हो और अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लेते हो और अपने दोनों टांगों से इसे पकड़ लेते हो और फिर यहाँ से मूव करते हुए आप सीधा इधर की तरफ चले आते हो। ठीक है, तो आपको ये इस मूवमेंट से आपका ऐसे होगा, आप यहाँ से मूव करते करते सीधे यहाँ तक आते हो। और दिक्कत ये होती है कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या होता है, ये रोप होता है, तो जब आप मूव करते हो ना तो ये रोप ना, ये जो बल्ली होती है ये बहुत हिलने लगती है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगेन सब जो टास्क होने हैं वो सबके लिए होने हैं, सभी इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो अगेन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कर लोगे, तो इसके लिए आपको मिलते हैं 9 मार्क्स। अरेंजमेंट को लेके मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत रैंडम होता है। जब GTO आपको एक्सप्लेन करेगा कौन से टास्क को किस तरीके से करना है, तो उसको आपको बड़े ही प्यार से ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे इंस्ट्रक्शन को तो आप गलतियां करोगे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्टेकल में क्या टच करना है, कौन सा पार्ट टच नहीं करना है, ये बिल्कुल जरूरी होता है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनो ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। आगे आते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि गर्ल्स वाले पार्ट का, कि गर्ल्स अपने स्ट्रेंथ पे कैसे काम करें, क्योंकि कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए, लाइक रोप क्लाइंबिंग और बर्मा ब्रिज वगैरह में उनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो उनको करना कैसे है ये उन्हें मैं बताता हूँ, और क्या रूल्स होते हैं GTO के वो भी सिखाता हूँ आपको, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं बर्मा ब्रिज, ये सीढ़ियाँ होती हैं आपकी। ठीक है, इसको सीढ़ी समझ लो, ये होती है सीढ़ियाँ और यहाँ से दो रस्सियाँ लटक रही होती है, एक रस्सी ये और आपको बीच से लाइक आपका ये सकल हो गया, तो ये आप अपने हाथों से इसको ऐसे पकड़ लेते हो और पैर नीचे कर लेते हो और मूव करते करते आप इधर की तरफ आते हो। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये जो रस्सियाँ हैं वो मूव करते रहती हैं इसलिए लोगों को बहुत डर लगता है। तो आप यहाँ से लेडर पकड़ के चढ़ते हो यहाँ से और यहाँ से आते हो, और अगर जिनको टाइम बचाना है और जिनके आर्म्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं कि वो रस्सी पकड़ के भी चढ़ सकते हैं। क्या करते हैं? रस्सी पकड़ के, मतलब वो अगर वो चाहें तो यहाँ से रस्सी को पकड़े आगे बढ़े और चढ़ते हुए आगे निकल जाएं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मिलते हैं आपको 5 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका बर्मा ब्रिज। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका, जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझ जाना कि आपको टाइगर स्विंग मिलने वाला है। तो टाइगर स्विंग में क्या होता है, आप जब इस प्लेटफॉर्म पे, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, आप जब इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के आप जब यहाँ पे खड़े हो जाते हो बिल्कुल, अब मान लो आप यहाँ पे ये खड़े हो गए, तो यहाँ पे एक रस्सी लटक रही होती है। ठीक है, यहाँ से आपको जो GTO होते हैं, GTO के जो सपोर्टर्स होते हैं वो आपको रस्सी फेंकते हैं, रस्सी आप अपने कंधे पे यूं लेते हो और GTO बोलता है कि भाई आपको टार्जन की तरह ओ करके आवाज़ निकालते हुए कूदना होता है, फिर आप यहाँ से कूदते हो आप यहाँ से कूदते हुए सीधे इधर की तरफ चले आते हो। ठीक है, तो ये पार्ट रहा आपका टार्जन स्विंग, इसको बोलते हैं कि आपको कैसे करना। ठीक है, टार्जन स्विंग में एक चीज़ ध्यान रखना आप,
कि आपको ऊपर आपको पहले सीढ़ियों से एक एक करके ऊपर चढ़ना, यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ से आपको जो हेल्पर होगा वो आपको रस्सी फेंकेगा, रस्सी को अपने कंधे पे लोगे और वहां से जंप मार दोगे, जंप मारते हुए रस्सी को पकड़े हुए जंप मारोगे। और ये वाला पार्ट गर्ल्स का बहुत वीक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैंने अपने सामने दो तीन लड़कियों को गिरते हुए देखा है बिल्कुल फैल के। तो आर्म्स स्ट्रेंथ के लिए लड़कियां जो है, मैं उनको ये बोल रिकमेंड करूंगा कि एसएसबी के पहले एटलीस्ट पुशअप सेटअप्स ये करना चालू कर दें, ताकि उनके आर्म्स में स्ट्रेंथ आ जाए, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है आई थिंक, मतलब बॉयज के कंपेरिजन में तो उनका आर्म्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। तो प्लीज आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइगर जो स्विंग वाली चीजें हैं उनमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो आपको टार्जन स्विंग के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं डबल जंप। क्या बोलते हैं इसको? डबल जंप। डबल जंप के मार्क्स होते हैं आपके 7 नंबर, आपको इसके मिलते हैं 7 मार्क्स, और इसका नाम है आपका डबल जंप। इसमें करना क्या है मैं बता दूं आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपके अगेन यहाँ पे आपकी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऐसे करके, आपको चढ़ के इस प्लेटफॉर्म पे आना है और फिर इस प्लेटफॉर्म से जंप मार के इस प्लेटफॉर्म पे आना है। अगेन कुछ लोगों की कूदने में बहुत फटती है, क्योंकि जिनको हाइट का फोबिया होता है वो अच्छे से जंप नहीं कर पाते, तो आप इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले आप इस पे चढ़ते हो, इस पे चढ़ के फिर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे होता है, ये डायग्राम में 3D नहीं दिखेगा आपको, फिर यहाँ से जंप मार के आप सीधे इस पे आओगे और फिर यहाँ से जंप करके सीधे ज़मीन पे आओगे, सॉरी यहाँ से आप जंप मार के सीधे ज़मीन पे आओगे, ठीक है। तो ये रहा पार्ट आपका डबल जंप का। अब बात करते हैं टायर, इसको बोलते हैं टायर जंप। अगेन टायर जंप के आपको नंबर जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 8 नंबर। इसमें आपको करना क्या है मैं ये बताता हूँ। टायर जंप में आपको, आप यहाँ पे खड़े होगे, मतलब टायर के उस साइड में खड़े होगे, टायर को पकड़ोगे और आपको टायर के बीच से निकलना होगा। तो गेस कर लो कि मुझे ये लगता है कि अगर आप USSB एस्पिरेंट अगर आप डिफेंस में आना चाहते हो, और जो ये कहती हैं कि हाँ मेरा, जो गर्ल्स कहती हैं कि मेरा ओवर वेट है, या फिर कोई बॉयज़ कहते हैं कि मेरा ओवर वेट है, तो एटलीस्ट आपको इतना कॉशियस होना चाहिए अपने जॉब को लेके कि हाँ आप अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब खुद को एटलीस्ट फिट रख रहे हो यार एसएसबी से पहले। अब ये टायर है, अब ये टायर का होल देख लो, इसके अंदर से पूरे बंदे को निकलना है। मतलब मेरी तरह अगर, जैसे कि मेरा कुछ ज़्यादा वेट नहीं है, मैं एक नॉर्मल फिट पर्सन हूँ, तो मैं इजीली इसमें से निकल सकता हूँ, इसमें से मैंने आसानी से निकल गया था। लेकिन दिक्कत उनको होती है जिनकी, जो थोड़ा ओवर वेट है, जिनका थोड़ा वजन ज़्यादा है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है टायर से निकलने में। तो इसके लिए आपको थोड़ा फिट रहना है। SSB आपको AFCAT के रिजल्ट और SSB के बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्लीज़ आप, मतलब अपने आप को फिट रखो, ताकि आप इजीली इन सारे ऑब्स्टेकल्स को कर पाओ। तो ये रहा आपका टायर जंप, और इसके आपको नंबर मिलते हैं 8 मार्क्स, ठीक है, आपको इसके मिलते हैं 8 मार्क्स। अब सबसे लास्ट आता है आपका रोप क्लाइंबिंग, इसका नाम है फ्रेंड्स रोप क्लाइंबिंग, और इसके मार्क्स मिलते हैं आपको 10 मार्क्स, इसका नाम है रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग का क्या सीन है आपका? देखो, रोप क्लाइंबिंग में आपको यहां से रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ना होता है, ऊपर चढ़ के यहाँ पर टच करके फिर यहाँ से आपको नीचे करके आना होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रोप क्लाइंबिंग, वन ऑफ द टफेस्ट। अगर किसी को भरोसा नहीं होगा तो बॉयज़ भी अपनी प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि बहुत लड़के नहीं कर पाते हैं, लड़कियों को तो बात ही छोड़ दो। और जिसका मैंने अभी नाम बताया था, रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड RT, उसने 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स किए थे और कम टाइम में ही पूरे कर लिए थे। सी वॉज द ओनली गर्ल जिसने सारे ऑब्स्टिकल पूरे किए थे, इंक्लूडिंग रोप क्लाइंबिंग, ये करते हुए, जो कि किसी लड़की ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो एक हो गया रोप क्लाइंबिंग, ये हो गया आपका टायर जंप, ये हो गया डबल जंप, ये हो गया आपका टाइगर स्विंग, ये हो गया आपका बर्मा ब्रिज, ये हो गया आपका मंकी क्रॉलिंग, ये हो गया आपका स्क्रीन जंप। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्क्रीन जंप, इसको बोलते हैं स्क्रीन जंप, इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्क्रीन जंप। ये हो गया आपका बैलेंसिंग बीम, ये हो गया आपका 4 फीट का हाई जंप, एंड ये हो गया आपका स्लाइड जंप। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, पहली बात कि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो, ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ना एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखना आपकी एक आपकी जिम्मेदारी, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, तो जॉब रिक्वायरमेंट को पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई इसके लिए आप डेली बेसिस पे रनिंग एंड एक्सरसाइज शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पे कुछ टास्क हैं, लाइक स्नेक रेस जब होता है वहाँ पे आपको दौड़ना पड़ता है ग्रुप के साथ, या फिर मतलब थोड़ा अगर एक्टिव रहोगे वहाँ पे, अगर आप आइडल ना दिखो, सुस्त ना दिखो, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे अपने एक्सरसाइज करने हैं। आर्म्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे इजी तरीका है पुशअप्स करना। तो डेली बेसिस पे आप पुशअप्स करो, आप पुशअप्स के बहुत सारे तरीके आप यूट्यूब पे देख सकते हो या फिर किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हो। तो आप पुशअप्स करो, आपको जो भी करना है डेली बेसिक एक्सरसाइज,
जी मैन, और जो करना है करो लेकिन खुद को फिट रखो। और बॉयज़ के लिए ये कहूँगा मैं कि भाई रोप क्लाइंबिंग का एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर चढ़ पाओ, क्योंकि बहुत, मैं अगर ये बताऊँ तो 10 में से 7 नहीं चढ़ पाते हैं रोप, केवल 3 ही चढ़ पाते हैं। तो रोप क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हो तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे टोटल 200 लाइक्स करते हो तो इसकी नेक्स्ट सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको बताने वाला हूँ अच्छी तरह से कि पीपीडीटी स्क्रीनिंग फर्स्ट डे कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए टारगेट है आपका 200 लाइक्स, शेयर करो, दैट्स द ओनली थिंग दैट मोटिवेट अस, इसको शेयर करो और कमेंट में अपने फीडबैक दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।